नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट महात्मा, क्रिप्टो की सही जानकारी यहीं पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लवली इनू के बारे में, जहां पे आज है 27 मार्च यानी 31 मार्च को $1 का प्रॉमिस था, उसका क्या जवाब दिया है आज एडमिन ने, हम देखने वाले हैं। और कई सारे बड़े इवेंट हुए हैं लवली में जो कि आने वाले 10 से 15 दिनों में होने वाले हैं, और सबका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब एडमिन दे देगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों मैं सभी ट्रेंडिंग टोकन पे वीडियो बनाता रहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो वीडियो भी देखा करिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे बार बार आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए। और किसी भी टोकन पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिखिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं क्या है आपके तड़कते भड़कते क्वेश्चन और तड़कते भड़कते आंसर एडमिन की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम लोग टेलीग्राम चैनल पर है और हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं मैं, जो हर सैटरडे को अपडेट करता रहता हूं आपको, पर आज संडे है इसलिए कल मैंने अपडेट नहीं कर पाया कुछ रीजन की वजह से। बट आप यहां पे देख सकते हो कि अभी V3 पे मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो कि लवली अब वोट करा रहा है कि भाई कौन से टोकन को हम लोग अपने लवली V3 स्वैप पर अपडेट करें, यानी जो इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है V3 उस पर बाय करने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो सभी ट्रेंडिंग टोकन पर वीडियो मैं बनाता रहता हूं और वही सारे टोकन के बारे में ये बता रहे हैं। ये ऐप और ब्रीज, ये जो है ये दो टोकन जो हैं जिसपे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, और आप ध्यान रखो ये सबसे फेमस होने वाला टोकन है बीते कुछ दिनों में। मार्केट रेड थी पर ये ग्रीन रहा, पर ओवरऑल ये है कि आप यहां पे वोट कर दीजिए, क्योंकि बेबी डोज और किशू ये दोनों टोकन आ सकते हैं। मैंने फ्लोकी को वोट किया है, फ्लोकी को वोट करने के पीछे मेरा जो सेंटीमेंट था वो था कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर टोकन है, इस वजह से मैंने इसको वोट किया। तो आप भी अपने हिसाब से अपना सेंटीमेंट लगाइए और वोट करिए। यहां पे आप देख सकते हो कि फेरा देयर इज नो ट्रस्ट वॉलेट। तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रस्ट वॉलेट पे मैंने वीडियो बना दिया है, डैप को कैसे यानी V3 स्वैप का जो आया है आप इसको कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करते हो। नहीं देखा है वीडियो फिर देख लीजिए, मैंने ट्यूटोरियल दिया है, थंबनेल ही लिखा हुआ है V3 स्वैप का ट्यूटोरियल, तो प्लीज आप देख लो ट्रस्ट वॉलेट पे भी ये ऐड हो रहा है। अब यहां पे एक बात और समझने लायक है कि आप यहां पे देख सकते हो कि इन्होंने वोट करने के लिए जो भी टोकन का नाम दिया है पर वहां पे हाइडस का नाम नहीं दिया है। अगर ये हाइडस का नाम दे वहां पे तो लवली को स्वैप करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब इसके प्राइस का वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। जहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई एक हाइडस V2 $5 के बराबर होगा और एक हाइडस V2 5 लवली के बराबर होगा, तो पर अगर अब ये वहां पे लिस्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इनको ये सब टोकन को पहले से वहां लिस्ट कर देना चाहिए, मेरा सपना पर्सनल सोचना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक होल्डर है जो लिख रहे हैं कि भैया हम लोग US से हैं, हम लोग KuCoin, Binance और Coinbase Pro और इस तरह के क्रिप्टो एक्सचेंजों को यूज करते हैं जहां पर लवली नहीं मिलता है। तो अब यार देखो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है लवली में। यहाँ पे देखो एडमिन बोल रहा है कि भैया हम जो है ये सजेशन देंगे किसको, अपने जो प्रमोटर्स है या जो डेवलपमेंट टीम है उनको भेजेंगे। बट यार देखो यार अभी तो मेरे हिसाब से अब तो कुछ दिन भी बचे, यहाँ 27 मार्च हो ही गई है, 2-3 दिन बचे हैं, मान लीजिए 7, 4, 11, 31 यानी 4 दिन बचे हुए हैं जहां पे $1 प्राइस जाने से रहा। हाँ कुछ बड़ा करिश्मा हो जाए रातों रात तो नहीं बता सकते। जहां पे देखिए बात हो रही है लिस्टिंग की कि भैया लिस्ट कर दो कुछ इस महीने अगर हो सके तो, प्लीज वेट फॉर अनाउंसमेंट। देखो मैंने आपको बता दूं दुबई एक्सपो के पहले मैंने क्वेश्चन आंसर वीडियो लिया था और यहां पे बोला गया था कि जो इनकी बर्निंग होगी और लिस्टिंग होगी वो दुबई एक्सपो से पहले बता दी जाएगी। लवली की जो सबसे प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि ये प्रॉमिस तो करते हैं, ये टाइमलाइन भी डिसाइड करते हैं पर उस टाइमलाइन को क्रॉस कर जाते हैं और फिर उसका जिक्र तक नहीं करते, तो इस पे इनको काम करने की बहुत जरूरत है। और देखिए ये वही बात यहां पे बोली जा रही है, एडमिन व्हेन दुबई एक्सपो वीडियो अपलोडेड ऑलमोस्ट 1 वीक अगो, एक भैया एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, बट अब यहां पे देख रहे हो कि वही कह रहे हैं प्लीज वेट फॉर इट टू बी पोस्टेड, कह रहे हैं भैया अभी दुबई एक्सपो का वीडियो आपका पोस्ट करोगे। तो इनका कुल मिला के देखो इनकी जो भी टीम है, देखो ऐसे जो चीजें होती है ना, आपने कई सारे टोकन देखे होंगे कि जहां पे उनको कुछ ना कुछ मिला है, लवली ने अभी तक ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया, या कहें कि वो जो 2-3 लड़कों का वीडियो था मैंने अपने उसमें दिखाया था वो था। इनको कुछ बड़ा एक्साइटमेंट देना चाहिए था लोगों को,
बट ये इस समय थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट हाँ जल्द से जल्द ये अपडेट करेंगे। टोकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप मान के चलो। यहाँ पे ये चीज जो समझने वाली है, 23 फरवरी के दिन ये फिर बोला था इन्होंने कि भैया वी विल हिट $1 दिस मार्च। अब इसको क्या बोलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इनको कुछ तो करना पड़ेगा इसको लेके, चाहे कितनी बड़ी प्लानिंग कर दे, बट ये तो मतलब एक तरह से मतलब बोलते हैं ना आंख में मिर्चा झोंकने वाला काम है। और यहां पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि हाइडस इज मेकिंग ब्लॉकचेन फॉर लवली इनू, यानी हाइडस जो है ब्लॉकचेन बना रहा है लवली इनू के लिए। तो यहां पे जो जवाब आया है वो आपको सुन के हैरानी होगी। यहां पे आप देख सकते हो कि भाई साफ साफ लिखा है लेट मी क्लेरिफाई दैट टू द टीम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, एडमिन जितनी बात बोलता है उससे ज्यादा तो इस ग्रुप के होल्डर्स को पता होता है। एडमिन बनाया किसने इसको पता नहीं है, पर इसको कुछ नहीं मालूम होता, कम टीम से पूछ के बताएंगे। इसका एक ही कार्यक्रम है कि सवेरे से शाम तक क्यों लेट मी कंफर्म फ्रॉम टीम, वेट फॉर अनाउंसमेंट। फर्जी धुनका बड़ी फर्जी की बात है, मतलब यार मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि एडमिन का काम होता है कुछ चीजें अपडेट बताना, ना कि ये बताना कि हम फलाने से पूछ के बता रहे हैं, जब जब ऑलरेडी इसमें ऑनर किसी न किसी नाम से ग्रुप में ऐड होगा। और यहां पे देखो लिखा हुआ है लवली ब्लॉकचेन कमिंग, लवली की खुद की ब्लॉकचेन आ रही है, डेफिनेटली कंफर्म है। ये तो मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, मेरे पुराने वीडियो आप जाके देखिएगा जिसमें थंबनेल में ये सारी चीजें लिखी हुई, गेमिंग प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन और ये जितना भी कुछ है बी3 स्वैप, ये सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं, सब उसी दिन लॉन्च हो रहे हैं या उसी हफ्ते आ रहे हैं जब मैंने आपको बताया है। यहां पे आप देख सकते हो हाइडस विल बी इट्स नेटिव टोकन ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो यार क्या बताने की बात है, हाइडस यानी लवली के दो ही ओनर है, एक हाइडस है एक लवली है, लवली आ चुका है हाइडस भी आ चुका है, तो अपना अपना दोनों टोकन को प्रमोट कर रहे हैं सेम कम्युनिटी के साथ। यहां पे आप देख सकते हो लवली इनू नाम का एक जो होल्डर है, यहां पे लिखा है हाइडस V2 स्टेबल प्राइस। तो ये कह रहे हैं दैट इज ऑल्सो आई नेवर एक्सपेक्टेड लाइक लवली इज $1। कह रहे भैया हमको तो नहीं लग रहा कि $1 जाएगा, इफ स्टेबल वी विल गेट 500 गुना, इफ नॉट स्टेबल नो इशू। कह रहे हैं कहानी पूरी वही बता रहे हैं, जो आशाओं से भरा जीवन जिस व्यक्ति का होता है इसी तरह का ये हम लोग को दुर्लभ ज्ञान दे रहे हैं। बट इसका जो भी आप कुछ निचोड़ समझना चाहो तो वो आप ये समझ सकते हो कि आज 27 तारीख है, एक यानी 31 मार्च आने वाला है, $1 प्राइस नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। पर हाँ इसमें जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात है वो है 12 अप्रैल, ये ध्यान रखिएगा इस डेट का कुछ बड़ा होने वाला है लवली के साथ। यहां पे देखो वही बात की जा रही है कि जब यह ब्लॉकचेन की बात है तो यहां पे लिखा बिकॉज ऑलरेडी 1 new token लॉन्च ब्लॉकचेन विथ 0 fee एंड फास्ट ट्रांजेक्शन, सो वी वॉन्ट टू एड एक्स्ट्रा बेनिफिट इन दिस लवली ब्लॉकचेन। तो कह रहे भैया हमें इसमें क्या फायदा होगा। अब यहां पे देखो कि अगर कुछ आता है लवली में तो कैसे इसके, भाई देखो कई सारे टोकन आ रहे हैं जो सारा कुछ कर रहे हैं, नया ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, फास्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पर लवली में ऐसा क्या होगा जो इसको हमें फायदा होने वाला है। यहां पे आप देख सकते हो उस टोकन का नाम भी इन्होंने ले लिया है कि यू मीन बिट गेट, यानी बेरिस जो मैंने आपको बताया उसको लिस्ट करने की बात कर रही है। प्लीज सर्च यू टू फॉर द प्रोजेक्ट, यू विल गेट योर आंसर। 55 यानी 550 ट्रिलियन सप्लाई है एंड प्राइस 50 and 1। अब ये कह रहे हैं कि भैया 50 और उसके जो है प्राइस लगाया गया है, सो व्हाई नॉट लवली कैन रीच मोर देन दैट। तो बिकॉज ऑफ इन्होंने कहा है बिकॉज ऑफ 11 टाइम लो सप्लाई। तो देखो बात वही मैं बोल रहा हूं आपसे, लवली का प्राइस ₹1 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई जा नहीं सकता है, पर उसके लिए इनको कुछ करना होगा। अब ये कर किस तरह रहे हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट को चलाने वाले लोग हैं इसको, वो खुल के सामने आ नहीं रहे हैं, या कुछ इनका कुछ इतना बड़ा काम हो नहीं रहा। अभी स्वैप लेके आए, स्वैप बहुत सारे लोग लेके आए थे, चाहे वो साइता मास्क हो, या अभी मैंने आपको पायरेट्स पे वीडियो बना के दिया था, वहां पे भी स्वैप आने की तैयारी में है। जब कोई बड़ा एक्सचेंज आता है डिसेंट्रलाइज होके तो उसका एक्सचेंज डेफिनेटली आने ही वाला होता है, या सभी एक्सचेंज अपने टोकन ले आए हैं, तो इनका भी आना है आप मान के चलो। पर इसको किस तरह प्रेजेंट करना है, लवली वहां पे कहीं ना कहीं मिस कर रहा है उन बातों को। यहां पे आप देख सकते हो लवली जो है 20 अरब टोकन का जो है ट्रेडिंग कंपटीशन है, यहां लिखा हुआ है, कहानी पूरी है समझाने के प्रयास कर रहे हैं। द ट्रेडिंग कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन लवली V3 स्वैप, यानी लवली के V3 स्वैप पे आपको ट्रेड करना है। देखो यार एक बात बता दूं
आपको कि जो लवली का V3 स्वैप है काफी स्मूथ चलता है। मैंने खुद वहां पे आपको वीडियो बना के दिखाया है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप जाके वहां बाइक कर सकते हो, अपने ट्रस्ट वॉलेट से टोकन को ऐड कर सकते हो। मेरे ट्रस्ट वॉलेट में लवली है, जितना भी है मैं वहां पे उसको लेके जाऊंगा, डेफिनेटली लेके जाने वाला हूं, और वहां पे मैं उसको स्वैप करूंगा किसी ना किसी टोकन के साथ या बाई करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसकी बात कर लेते हैं, यहां पे लिखा है कि भैया हम 20 विनर को जो है ये 20 अरब जो लवली टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रेड ऑन लवली V3 स्वैप एंड गेट अ चांस टू विन। अब ये कहानी इतनी बता रहे हैं, मतलब एक को हम देने वाले हैं, यानी 20 जो लोग होंगे उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस हिसाब से। सो रेडी योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड ज्वाइन द इवेंट। ये कह रहे हैं भैया हमको ज्वाइन कर लो, जो ये इवेंट हम ला रहे हैं चलेगा कब, यानी कल से स्टार्ट हुआ है, 6 अप्रैल तक चलेगा ये, देखो आप। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे एड्रेस दे रखा है। तो कहानी सीधी सी और साफ है कि 31 मार्च तक $1 इसका प्राइस नहीं जाएगा। अब ये किस मुंह से एडमिन आके 31 मार्च को हमें बताएंगे, क्या लवली भाग जाएगा, ये सब कुछ आप 31 मार्च में छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इस तरह का नहीं हो रहा है जहां पे हमें लवली पे कुछ भरोसा हो। बट लवली प्रोजेक्ट अच्छा है, ये जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, जब ये कम्युनिटी ड्रिवन टोकन हो जाएगा 100%, लवली डेफिनेटली बूम करेगा। लवली सिंपल सा आके मार्केट में चल जाता, कोई तकलीफ ना होती। इन्होंने $1 31 दिसंबर तक 2021 और फिर 31 मार्च तक $1 प्राइस लगा के पूरी टोकन की इन्होंने माँ बहन करवा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडमिन फिर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि या कैसी संदेश दे रहे हैं, वाई टू लूज होप, डू यू थिंक वी आर एंडिंग अप हियर, वी आर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड विल कंटिन्यू टिल रीच अवर सक्सेस। अब कहानी देखो यहाँ से बदल गई है कि भैया तुम इतनी जल्दी अपनी जो इच्छाएं हैं या आशा है उनको खत्म ना करो, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और हम यहाँ खत्म नहीं होने वाले हैं, हम बहुत आगे जाएंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स डू दिस द प्रोजेक्ट, वी ऑलरेडी रिवील्ड द प्लान इन द कम्युनिटी एंड वी विल डिलीवर व्हाट वी शेयर रिसेंटली। तो कह रहे भैया हमने जो जो आपको होना है सब बता चुके हैं और जल्द से जल्द हम इसको लोगों तक ले जाएंगे। देखो बात अच्छी है टोकन, नो डाउट, पर मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, ऐसे आपके हैं। और लवली के लिए जो मेरी सलाह है वो सिर्फ इतनी है कि भाई प्लीज $1 बोलना बंद कर दो थोड़े दिन के लिए, जितना प्राइस जाना है ये जाएगा, आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहो। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, प्यार बना के रखिएगा।